बिसमीम अस्सलाम वालेकुम ग्रेड वन वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन वंस अगेन एंड आई होप कि आप सब बहुत खुश होंगे मज़े में होंगे और मैथ्स के लेसन को तो बहुत इंजॉय करते होंगे क्यों क्योंकि हम रोज़ जो एक्टिविटीज़ करते हैं उससे जो हमें कॉन्सेप्ट की समझ आती है उससे हमारा लर्निंग का प्रोसेस भी बड़ा आसान हो जाता है

कर ले ताकि आपको याद रहे कि हमने इतने एस एल ओ कम्प्लीट कर लिए हैं और अगर याद रखिए कहीं पे भी कोई एस एल ओ थोड़ा सा वीक है तो टीचर्स स्टूडेंट्स प्लीज मिलकर उस एस एल ओ को स्ट्रेंथन करिए उसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपको जो है वो हर एस एल ओ क्लियर हो जाए तो आगे बढ़ते हैं आज के एस एल ओ की तरफ बच्चों एस एल ओ क्या होता है स्टूडेंट लर्निंग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम यानी आज इस लेसन के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे तो देखते हैं आज हम क्या करने लगे हैं

किस चीज़ के काबिल होंगे कि कोई भी टू डिजिट नंबर उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है अब टू डिजिट नंबर अगर आपको याद हो तो जब हमने नंबर टेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसके बाद नंबर्स आफ्टर टेन यानी नाइन्टी नाइन तक हमने पढ़े थे तो हमने तमाम टू डिजिट नंबर्स को देखा भी था लिखा भी था और उनको पढ़ा भी था तो अब हम कोई सा भी एक टू डिजिट नंबर लेंगे प्लीज रिमेंबर द टर्म्स आई एम यूजिंग टू डिजिट नंबर हम लेंगे और उसको ये पहचानेंगे कि इसमें इसकी प्लेस वैल्यू क्या है प्लेस वैल्यू समझने के लिए आपको अग अगली स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूंगी तो प्लीज अपनी टेंशन लेसन की तरफ रखिए क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है अगर आपको समझ नहीं आया और कंफ्यूज रहे तो अगला लेसन आपके लिए इशू बन जाएगा तो अभी आप फोकस रहिए और देखिए कि हम क्या करने लगे हैं टीचर्स प्लीज इस लेसन के लिए जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है आई होप कि आपने अपने पास प्रिपेयर किए होंगे और इसी लेसन के प्लान के मुताबिक हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप आपके पास ये लेसन प्लान मौजूद है अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए कि लेसन में जो एस एल ओ है उसका एसेंस डिस्टर्ब ना हो तो जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं अगर सिमिलर मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप कोई इसका ऑल्टरनेट भी अगर प्रिपेयर करें तो कोशिश करें कि वो उसी कॉन्टेक्स्ट में रहे जिसका एस एल ओ है ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो और उनमें कन्फ्यूजन ना आए तो जनाब ई ई के एस एल ओज को हम डिस्कस कर चुके हैं सो वी आर मूविंग ऑनवर्ड्स एंड क्विकली फॉर अ वार्म अप एक्टिविटी थोड़ी सी एनर्जी के लिए भी जल्दी से फाइव फाइव स्टूडेंट्स पास पास हो जाएं और क्या करें कि वो अपने हाथों की फिंगर्स काउंट करेंगे जैसे आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है फिंगर्स इनको आपने काउंट करना है तो जल्दी से काउंट करिए और मुझे बताइए कि आपकी पांच फ्रेंड्स की मिला के एंड आई वेटिंग हियर एंड जस्ट मिनट यू हैव फॉर योरसेल्फ डियर चिल्ड्रन गुड शाबाश आपने हाथों की फिंगर्स को काउंट किया तो आई होप फाइव फ्रेंड्स के हाथों में कितनी फिंगर्स मिली आपको फिफ्टी शाबाश तो फिफ्टी कितने डिजिट टू डिजिट शाबाश कौन कौन सा 5 and 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 So these these are 50 fingers. fingers 10, 10, 10, 10 10. All together these fingers make the number 50 and it is a two digit ठीक है इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे लेके चलेंगे कि टू डिजिट नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है जो आज का हमारा लेसन है सो डियर चिल्ड्रेन ऑन पेज नंबर ट्वेंटी फोर आपके पास इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन अभी हम समझ लें कि हम करने क्या लगे हम बात करने लगे हैं आज 10 की। बिल्कुल वैसे ही, जैसे आप एक बंडल तो बन गया ठीक और अब इसके बाद अगर आपका फ्रेंड एक और फिंगर साथ आपको शो करे तो टेन एंड वन विल बी इलेवन टू फिंगर्स टेन एंड टू इज गोइंग टू बी So सेपरेट करेंगे और उसके बाद जो सिंगल नंबर होंगे यानी वन होंगे उनको डिस्कस करेंगे तो आइए अभी हम थोड़ी सी एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं टीचर्स uh, आप बच्चों से मीन वाइल वो पेज रेडी करवा लीजिए डेट लिखवा लीजिए एंड आई विल बी बैक विदिविटी सो डियर चिल्ड्रन आई होप कि आपने पेज को देख लिया और प्रिपेयर भी कर लिया लेकिन अभी हम जो कॉन्सेप्ट समझने लगे हैं बंडल्स ऑफ टेन उसके लिए आपने अभी, अभी अपना फुल अटेंशन इस टेबल पे रखना है और जैसे मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ उसको आपने अंडरस्टैंड करना है ताकि जब टीचर आपके लिए उस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करे तो आप उनसे के कोई क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कर लें और अच्छी तरह सीख लें कि आज हम क्या बात करें तो बच्चों हमारा ऐसे कह रहा है कि टू डिजिट नंबर में आप प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नंबर किस जगह पे आता है तो वो फिफ्टी बनता है अभी हम की की ही लेके क्योंकि भी आपने हैं। तो के के लिए आ, मैं आपके सामने यानी मैंने ये sticks के कुछ बंडल्स बनाए हैं सो आई पुट इट हेयर वन बंडल इज टेन ये जो जब हम सिंगल स्टिक्स को अगेन जब ये हम सिंगल स्टिक्स को काउंट करते हैं और जब टेन इकट्ठी हो जाएं तो इस तरह मैंने उनका बना लिया जनाब एक बंडल टीचर्स अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप मैच स्टिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं बंडल बनाने के लिए लेकिन याद रखिए मैच स्टिक्स इस्तेमाल करते हुए आपने इसके ऊपर से जो ये इसका वो है गन पाउडर है वो आपने इसको रिमूव कर लेना है इसको आपने बच्चों के हाथ में इस तरह नहीं देना या आप टूथपिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट तो वन बंडल हाउ मच टेन ट्वेंटी शाबाश थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी अभी हमने जो फाइव बच्चों की फिंगर्स काउंट किए हैं हम वो ले रहे हैं दीज आर फिफ्टी स्टिक्स हियर सो इट वॉज इजियर फॉर मी टू काउंट द बंडल देखिये जब हम बंडल बनाते हैं तो हमारी काउंटिंग बहुत आसान हो जाती है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी तो अब फिफ्टी को हम कैसे लिखते हैं टू डिजिट में हम फिफ्टी को लिखते हैं फाइव एंड जीरो सो लेट मी गेट इनटू माय मैजिक बॉक्स एंड फाइंड माय फ्लैश कार्ड ऑफ द नंबर फिफ्टी ये लो जी मिल गया सो दिस इज आवर नंबर फिफ्टी तो फाइव जो पहले आ रहा है जितना जितना बंडल है दैट इज कॉल्ड टेंस एंड द अदर डिजिट जो उसके साथ सिंगल वाले बॉक्स में आता है उसको कहते हैं वंस टेंस एंड वंस सो अभी हमारे पास वंस में कुछ नहीं है सो एम नॉट गुट एनी थिंगयर इन वंस आई विल जस्ट पुट दीज टूगेदर इन देंस फाइव बंडल्स ऑफ टेन एंड जीरो में जीरो का मतलब कि यहाँ पे कोई सिंगल uh, हमारे पास फिगर नहीं है अब अगर मैं आपके लिए एक और मैजिक बॉक्स में से निकालू और आपको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए All right. now नाउ आई गॉट नाउ आई गॉट दिस नंबर three. पहला क्या आ रहा है sixty three. तो अब कितने बंडल्स मुझे सेपरेट करने हैं sixty को दिखाने के लिए one two three four five six sixty एंड देन three के लिए मुझे three सेपरेट चाहिए शाबाश जो मुझे बता रहे हैं जो मेरे साथ हैं क्लैपिंग फॉर देम येस टेंस एंड थ्री इज इन द वस ये सिंगल डिजिट जो है ये वंस को रिप्रेजेंट करता है और ये बंडल टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरह डी ए टीचर आपके पास फ्लैश कार्ड होंगे बच्चों को आइसक्रीम स्टिक्स या किसी भी इजी रिसोर्स के जरिए उनसे इसी तरह बॉक्स में से डिफरेंट नंबर निकाल के आप उनको कुछ डिफरेंट बंडल्स दिखाकर उनकी प्रैक्टिस करवाइए अपटिल नाइनटी नाइन एंड आई विल बी बैक सुधेर चिल्ड्रन आई होप कि अब आपको बंडल्स और सिंगल्स का आइडिया होगा तो ये जो बंडल्स और सिंगल्स की हम बात कर रहे हैं इनको हम मैथ्स की लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं टेंस एंड में की ठीक है आपको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं अब जो बुक के पेज पे है तो प्लीज अब अभी अपना बुक का पेज का ये वाला पार्ट फोकस कीजिए जहां पे आज का टॉपिक लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू टेंस एंड वन प्लेस वैल्यू का मतलब हर नंबर की एक प्लेस है एक जगह है प्लेस वैल्यू टेबल में उसके हिसाब से हम देखते हैं जो भी मैंने आपको बंडल्स की और sticks की एग्जाम्पल कराई तो वो हमने आ, objects के साथ की हम में में देखते हैं क्या है स्टिक्स वर्क सो हाउ मेनी स्टिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये टेन जब हमने कर ली तो ये हमने ऐसा एक बंडल बना लिया हमने ऐसा एक बंडल बना लिया जिसमें हमने टेन को इकट्ठा कर लिया ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सो टेन स्टिक्स ऑफ स्टिक्स ठीक है जी एक बंडल बन गया ये टेन का ट्वेल्व स्टिक्स वन बंडल प्लस टू स्टिक्स यानी एक बंडल आ गया और साथ इसके टू मोर मेक्स द नंबर ट्वेल्व एग्जैक्टली exactly यही चीज़ अभी हमने टेबल पे भी की थी तो आई होप कि आपको समझ आहिस्ता आहिस्ता आ रही है कि जब हम बंडल्स की बात करते हैं तो हम टेंस की बात करते हैं और जब हम वंस uh, की बात करते हैं तो हम सिंगल्स की बात करते हैं क्योंकि नाइन के बाद आपको याद है ना डबल डिजिट आ जाता है टेन आ जाता है तो एग्जैक्टली exactly वो जो नाइन uh, के बाद वाला ऑब्जेक्ट ऐड होता है तो टू डिजिट बन जाते हैं सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और थोड़ी सी एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी टेंस एंड यूनिट्स याद रखिए यूनिट्स को हम वंस भी कहते हैं तो हमारी बुक में आपको वंस मिलेगा वंस के लिए यूनिट्स का वर्ड भी इस्तेमाल होता है वन का वर्ड भी इस्तेमाल होता है और सिंगल्स का वर्ड भी इस्तेमाल होता है तो मकसद ये है कि आपको समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेंस एंड यूनिट्स यानी वंस कितने वंस हैं कितने सिंगल्स हैं सो so, आपके सामने स्क्रीन पर जो ब्लिंक कर रहा है वो है ट्वेंटी फोर ट किया थार तो अगर मैं यहाँ पे एक बंडल्स की शक्ल बना लू ये एक बंडल है और ये एक बंडल है तो देर आर टू बंडल्स ऑफ टेन एंड देर आर फोर सिंगल स्टिक्स यानी फोर वन सो ट्वेंटी फोर

कुछ क्योंकि जब आप ग्रुप वर्क करेंगे और इंडिविजुअल वर्क करेंगे तो उससे उससे पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है प्लेस टेल्स अस द पोजीशन वेयर द डिजिट इज इन द नंबर फॉर एग्जांपल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टुगेदर दीज आर हाउ मच टेन शाबाश सो टेन वन्स मेक वन टेन ये एक बंडल बन गया बंडल बन के हमने उसको साइड पर कर लिया after nine ones we have another column called ten tens column yani jab hum likhte hain to hum tens and units likhte hain let me explain you if i can get a empty uh, screen tens and ones तो अगर मैं आपसे कोई नंबर कहूं फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी फोर तो हमारे पास टेंस में कितने बंडल होंगे कौन सा नंबर आएगा फाइव शाबाश और वंस में क्या आएगा फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी क्योंकि हम इसको जब बोलते हैं तो मैं ऐसे कहते हैं फिफ्टी फोर तो हर नंबर की अपना एक घर है टेंस वाले नंबर के लिए हम फिफ्टी या सिक्सटी का टर्म यूज करते हैं और वंस के लिए हम सिंगल डिजिट का जो वर्ड नंबर है नेम uh, है वो इस्तेमाल करते हैं तो आई होप यू गॉट द आइडिया सो लेट्स मूव ऑन एंड सी वट वी हैव टू डू एज अ ग्रुप एक्टिविटी ताकि आपका टेंस एंड वन यानी बंडल्स एंड सिंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए टीचर प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जब आप बच्चों से कम्युनिकेट करें हैं कॉन्सेप्ट डिवेलप करने के लिए तो जो टर्म्स उनके उन्होंने लाजमी इस्तेमाल करनी है उनको बार बार क्लास में रिपीट करें डिस्प्ले uh, में लगा लें ताकि बच्चे उन वर्ड्स के साथ इतने फेमिलियर हो जाएं कि उनके लिए अगले ग्रेड में प्रॉब्लम ना हो सो लेट्स लुक एट द ग्रुप वर्क टीचर इज गोइंग टू मेक ग्रुप्स ऑफ टू एंड शी इज गोइंग टू गिव यू पेज नंबर थर्टी टू जिस आपने क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करना है तो जल्दी से अपनी बुक को रेडी कीजिए और ये क्वेश्चन आपने ग्रुप में करना है यानी आप और आपका फ्रेंड जो है वो इस पेज को सॉल्व करेंगे Write the following in the form of tens and ones. So you have to count and write the tens here, and then you have to count and write the ones here. And same is with part B. Count and write. Count and write. So once we are done, uh, we will move on to the individual work. Teacher, please, but uh, a page complete karwa page. Three to four minutes are good enough. जनाब इंडिविजुअल वर्क से पहले ग्रुप वर्क में मुझे बताइए कि कि आपको समझ आ गया कि and ones कैसे होते हैं? हैं, yes, तो जब हम कुछ bundles को करके, कुछ singles को को करके करते अपटिल नाइन तो एक वो टू डिजिट नंबर बन जाता है शाबाश! तो अभी हम मूव करते हैं इंडिविजुअल वर्क पे और टीचर अब टाइम है कि आप ये असेस करें बच्चों ने इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प किया है या नहीं और टेंस और वंस का जो वर्ड है उनके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ का, बैठा है या नहीं तो अभी आपने बच्चों क्या करना है आपके पेज नंबर पे, थर्टी पे सिक्स है यस एग्जैक्टली exactly वो सेम पेज जिसपे भी आपने ग्रुप में किया अब आपने थोड़ा सा इंडिविजुअली अपनी टेबल पे काम करना है और ये छोटा सा एक टास्क मैं आपके पास लेके आई हूँ जिसमें आपने उसी तरह टेंस एंड वंस को आइडेंटिफाई करके नीचे बॉक्स में लिखना है तो दिस एक्टिविटी शुड नॉट टेक टू टू थ्री मोर देन टू टू थ्री मिनट्स टीचर्स ताकि इस टाइम में इनको अंदाजा हो जाएगा आपको कि इनको समझ आइए या नहीं आइए इंडिविजुअल टास्क के बाद आई होप के टीचर्स और स्टूडेंट्स ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां पे कॉन्सेप्ट जो है वो काफी हद तक बिल्डअप हो गया है तो अब बारी आती है लास्ट में रैप अप की जब तक रैप अप क्लास के सामने एज अ कलेक्टिव नहीं होता टीचर को और मुझे तो इंश्योर ही नहीं होगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा लेकिन आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं इसलिए आपको आंसर तमाम आते होंगे तो रैपअप के लिए आपने क्या करना है जनाब पेज नंबर थर्टी टू पे क्वेश्चन नंबर सेवन है एग्जैक्टली सेम पेज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन ये टीचर आपने रैपअप पे करवाना है इनसे बुक पे लेकिन रैपअप को हम थोड़ा सा आज एक्सटेंड रखेंगे ताकि आप बच्चों को बुला के इस तरह बोर्ड पे भी कुछ नंबर्स लिखवा लें या फ्लैश कार्ड की मदद से उनसे क्लास में एज ए कलेक्टिव पूछ लें कि ये कौन सा नंबर है फॉर एग्जाम्पल अभी बच्चे अगर मेरे साथ करें तो लेट मी गेट अ नंबर ऑल राइट वट नंबर इज दिस बच्चो द नंबर 73, तो कितने सिंगल है थ्री तो पूरी क्लास से as a collective question पूछ सकते हैं कुछ फ्लैश कार्ड डिफरेंस समझ आ गया है आफ्टर दैट इज टाइम फॉर यू टू नोट डाउन योर होमवर्क एंड इज होमवर्क गिवन इन द टेक्स बुक ये टीचर आपको एक्सप्लेन कर देंगी आपने स्टिक्स कलेक्ट करनी है और कुछ बंडल्स बनाने हैं और उसके बाद एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट है जो टीचर आपको दे देंगी और ये आपने घर से करके लानी है खुद से और अगर आपकी मामा ने आपके साथ पूछा कि आज आपने क्या सीखा है तो आपने टेंस एंड का उनको भी एक्सप्लेन करना है सो आई होप क्लियर हो गई है सो सी इन द नेक्स्ट लेसन विद्यू कॉन्सेप्ट